मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं गोकुल शेयर के बारे। इस शेयर का आज हम लोग एनालाइज करके जानेंगे इसका टारगेट और स्टॉप लॉस 3 आवर के चार्ट से लेके मंथली चार्ट तक। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आप लोग के लिए इस टाइप की वीडियो बनाते रहता हूँ। तो 3 आवर के चार्ट पे इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 44 रुपये 20 पैसे का। सेकेंड जो टारगेट होगा वो होगा 46 रुपये 30 पैसे का। और थर्ड जो टारगेट होगा वो होगा 50 रुपये 50 पैसे का। अब हम लोग बात करेंगे इसके स्टॉप लॉस की। तो इसका फर्स्ट स्टॉप लॉस होगा 40 रुपये का। सेकेंड स्टॉप लॉस होगा 37 रुपये 90 पैसा का। और थर्ड स्टॉप लॉस होगा 33 रुपये 70 पैसे का। ठीक है फ्रेंड, अब हम लोग बात करेंगे डे कैंडल पे। डे कैंडल पे इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 44 रुपये 65 पैसा का। सेकेंड जो टारगेट होगा वो होगा 49 रुपये 85 पैसा का। और थर्ड जो टारगेट होगा वो होगा 57 रुपये 70 पैसे का। ठीक है फ्रेंड, अब हम लोग बात करेंगे इसके स्टॉप लॉस की। तो इसका फर्स्ट स्टॉप लॉस होगा 39 रुपये 90 पैसा का। सेकेंड जो इसका फर्स्ट टारगेट फर्स्ट जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 39 रुपये 90 पैसा का। सेकेंड जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 35 रुपया 10 पैसा का। और थर्ड जो इसका स्टॉप लॉस होगा वो होगा 32 रुपये 5 पैसा का। ठीक है फ्रेंड, अब हम लोग बात करेंगे वीकली कैंडल पे। वीकली कैंडल पे इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 46 रुपये 10 पैसा का। सेकेंड जो इसका टारगेट होगा वो होगा 54 रुपये 40 पैसा का। और थर्ड जो इसका टारगेट होगा वो होगा 66 रुपये 80 पैसे का। ठीक है फ्रेंड, अब हम लोग बात करेंगे इसके स्टॉप लॉस की। तो इसका फर्स्ट स्टॉप लॉस होगा 35 रुपये 35 पैसा का। सेकेंड स्टॉप लॉस होगा 27 रुपये 15 पैसे का। और थर्ड स्टॉप लॉस होगा 22 रुपये 95 पैसे का। ठीक है फ्रेंड, वीकली और मंथली कैंडल का टारगेट सेम है फ्रेंड। तो हम लोग डायरेक्ट इंडिकेटर्स पे आएंगे। हम लोग टेक्निकल इंडिकेटर का हेल्प लेंगे। टेक्निकल इंडिकेटर से मैं RSI सेट करूँगा और दूसरा टेक्निकल इंडिकेटर लगाऊँगा MACD। तो MACD और RSI जो है ओवरबॉट जोन के आसपास है, 78 पे। देखिए 80 के ऊपर जाएगा ओवरबॉट जोन हो जाएगा और ये बाय करने का पोजीशन बिल्कुल नहीं है मंथली कैंडल पे। वीकली पे देखें तो एक बेरिश सिग्नल मिल चुका है, जिसको निकलना है, जिसको प्रॉफिट हो रहा है प्रॉफिट बुक कर सकता है। यहाँ देखिए रेड हो चुका है। एक से कंफर्मेशन नहीं मिलता है, मगर यहाँ पे देखिए गिरा हुआ था, बट यही मैं दिखाना चाह रहा था एक वीडियो पे, जो एक ऐसे लाइन बनी थी तो मैं ये दिखाना चाह रहा था कि दूसरी जो यहाँ पे रेड बनी है उसके जगह ये ग्रीन भी बन सकती थी और यहाँ से डायरेक्ट ऊपर भी भाग सकती थी, बट ऐसा होने का बहुत कम चांस होता है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे ग्रीन बन चुका, हो सकता है यहीं से ऊपर उठ जाए डे कैंडल पे, बट ऐसा होने का चांस थोड़ा कम होता है। तो अब चलिए अब हम लोग इसको थोड़ा फंडामेंटल्स देखते हैं। तो बात करते हैं एक मंथ रिटर्न की, तो होगा 38% का पॉजिटिव रिटर्न है। वन ईयर रिटर्न की बात करें तो 131% का पॉजिटिव रिटर्न है। मार्केट कैप की बात करें तो 415 करोड़ का मार्केट कैप है। शेयर होल्डर्स की बात करें तो 12.6K इसका शेयर होल्डर्स है। और 52 वीक की हाई की बात करें तो 47 रुपये 80 पैसा है। 52 वीक की लो की बात करें तो 16 रुपये 35 पैसा है। और न्यूज़ की बात करें तो एक मंथ पुराना न्यूज है, इस पर हम लोग बात नहीं करेंगे। आज इस शेयर ने
3.45% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, 41.95 रुपये पे क्लोजिंग दिया है इसने। हाई बनाया है 44.10 रुपये का, ओपन हुआ है 40.25 रुपये पे, क्लोजिंग हुआ था प्रीवियस क्लोजिंग इसका 40.55 रुपये पे। इसने 25 पैसा का गैप डाउन ओपनिंग किया है, लो बनाया है 39.95 रुपये का। ठीक है फ्रेंड, तो आशा करता हूँ फ्रेंड वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।